बी प्राउड ऑफ ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए 10 अंतरिक्ष मिशन। इसरो प्रमुख के सिवन ने बुधवार को कहा कि लॉकडाउन की वजह से अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रयान 3 अभियान में देर होने के अलावा ऐसे 10 अंतरिक्ष अभियान बाधित हुए हैं जिनके इस साल होने की योजना थी। उन्होंने कहा कि इसरो अपने अंतरिक्ष अभियानों पर लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन करेगा। इसरो प्रमुख ने बताया कि अंतरिक्ष एजेंसी ने इस साल 10 प्रक्षेपण की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से सभी चीज़ें बाधित हो गई। कोविड-19 संकट से निपटने के बाद हमें एक आकलन करना पड़ेगा। सिवन ने कहा, लॉकडाउन की वजह से गगनयान प्रभावित होगा। सभी उद्योगों ने काम करना अभी शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में अभियान का कार्य प्रभावित हो गया। इसरो प्रक्षेपण से जुड़े उपकरणों के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर है। इसरो को उपकरण उपलब्ध कराने वालों में शामिल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में MSMEs भी लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा, हमें गगनयान पर लॉकडाउन के प्रभावों का आकलन करना होगा। पिछले साल चंद्रयान-2 के चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग होने के बाद इसरो ने चंद्रयान-3 प्रक्षेपित करने की योजना बनाई थी, जिसे इसी साल चांद पर भेजा जाना था। गगनयान मिशन के तहत 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भी हो चुका है और वे रूस में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, लेकिन यह भी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है। पंख से कुछ नहीं होता, तो जो भारत के गौरव को लगातार ऊंचा करने में लगा है। यदि आप इसरो के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।